चलिए पतला पट्टी का रेस अभी स्टार्ट होने वाला है, सारा रेडी है। चलिए विसिल बज गया है और अभी जोर से रनिंग आ चुका है। लेडीजों का कौन बनाता है पहले देखते हैं। किस तरह का यहाँ पर मैदान उपलब्ध कराया था, इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? हे गाइस, सबको जोहार एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है 16 नवंबर 2024 और गाइस कल हम लोग का जो टूर्नामेंट रखे थे एनजीसी बड़ाला का द्वारा 14 और 15 को, जिसमें सीनियर टीम खेल रहे थे, और आज गाइस है 40 प्लस का मैच है और कुछ गर्ल्स का भी मैच, सब प्रोग्राम सब भी बहुत सारा है। तो आज मेरा घर का इधर टीवी भी पूरा खुल गया है और जितना भी सेटअप था सब खुल गए हैं। क्यों, ये आप लोग का दिखाता हूँ। आज हम लोग मिस्त्री लाए हैं, टीवी यूनिट लाए हैं गाइस। ये पूरा इस दीवार में लगने वाला है जिधर टीवी लगेगा। ये कौन है अपना परिचय नहीं देगा, हम खुद दे रहे हैं। ये मेरा दोस्त, स्कूल का फ्रेंड छुट्टू लाल उरा। तो शकल तो देखा, सब का जोहर बोल, खतिया नहीं जोहर बोल, गुड मॉर्निंग सब का की बाला सिर बना, हम लोग दोनों मिलके बना रहे हैं। और ये सेट पूरा यहाँ लगने वाला है और एक पार्ट इधर भी है गाइस, इसको भी हम लोग किए बनाए बहुत मुश्किल से, हो नहीं पा रहा हम लोग से, कभी ये सब किए नहीं है, आज करना पड़ रहा है। ये पूरा सेट लगेगा घर में, टीवी यूनिट है तो टीवी का साइड लगेगा। और ये हम लोग का पगली छना टकलू। गुड मॉर्निंग जोहार सबाई। तो चलिए ये पूरा सेट कर लेते हैं, फिर लगाएंगे, उस टाइम आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है, कैसा लगेगा बताइएगा कमेंट में। और बड़ा मुश्किल लग रहा है टाइट करने में, और जिसको ड्रिल करना है ड्रिलर भी है, बट हम लोग सकेंगे या नहीं सकेंगे, किसी को बुलाना होगा जो सकता है। तो जब पूरा होगा उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है, बताइएगा कमेंट में, और हम लोग सही से सेट कर पाए या नहीं ये सब भी बताइएगा। चलिए सारा पार्ट्स हम लोग जोड़ लिए हैं और देखिए कैसा दिख रहा है। ये देखिए नीचे का जो है वो उधर लगने वाला है, टीवी के टीवी बीच में रहेगा और सारा ये सब चीज साइड साइड लगने वाला है, और उसका ऊपर और एक भी रहने वाला है, तो हम इसको पकड़ रहे हैं, बस दिखा रहे हैं आप लोगों को कैसा लगेगा बताइएगा। देखिए बहुत बड़ा जगह लिया है, देखिए ये सेट रहने वाला है, ये वहाँ लगेगा, पता नहीं कैसा होगा, मिस्त्री सब तो बहुत डेंजर है, यही सब मिस्त्री है पूरा सेट क्या। और ये सेट करने के बाद आज 40 प्लस का मैच भी है हम लोग का, तो जाएंगे वहाँ भी फिर मैनेज करना है हम लोग को, तो बताइएगा कैसा लग रहा है। पूरा लगने के बाद ही पता चलेगा कैसा है, कैसा लगेगा। ये देखिए फिलहाल सब बिखरा बिखरा सामान है, सब इधर रख दिए हैं, जब ये वहाँ लगेगा उसके बाद ही। तो अभी सेट करने के लिए ड्रिल किया जाएगा, तो उसके लिए मपी लिया जा रहा है, जो दाग किया जाएगा, अभी तो दाग दिया अच्छा ये वाला है। और बस नीचे का हो गया, आज हम लोग का 40 प्लस गेम भी है, हम लोग इधर आज कम कर गए सब, भागना तो रिजाइन नहीं है, सही हो पर तारा दान अंदर नहीं हो बस। तो चलिए पूरा सेट हो गया है हम लोग का, जो टीवी यूनिट है और इसी के बीच में टीवी लगने वाला है, तो देखते हैं फिर कैसा लगेगा। बहुत मुश्किल से हम लोग किया, अपना ही हम लोग ही मिस्त्री हम ही लोग काम किए, और ये रहा एक मिस्त्री छुटलाल, सब बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत मेहनत लग लगी, लेकिन शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच,
लोग बहुत हेल्प किए। और अभी नहाए धोए कुछ नहीं है, अभी जा रहे हैं नहाने, गमछा वमछा पकड़ लिया है और फिर जाना है 40+ मैच देखने। क्या चलो ठीक है। तो फाइनली पूरा सेट हो गया है हमारा टीवी यूनिट, और बताइए कमेंट में कैसा है कैसा नहीं। और अभी सजना बहुत टाइम है, इसमें बहुत सारा चीज़ ऐड भी करेंगे, मुझे तो नहीं आता जितना मैं किया। बताइएगा कैसा है कमेंट में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, भाई लोग सब मेहनत किए और मैं भी और चाचा भी साथ मिल के पूरा फ्रेश हो गए नहा धो के, और बहुत देरी हो गया, 1:30 बज गया और मैच भी चालू हो गया है 40+ का। तो जाएंगे अभी वहाँ और प्रोग्राम सर, मेन तो प्रोग्राम है 40+ तो मैच चल रहा है, पर यहाँ थोड़ा घर का काम भी था। और देखिए टीवी यूनिट कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा पसंद आ गया। पर थोड़ा सा मेरे को सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सब हम लोग मेहनत किया पर टाइम लग गया। तो अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं और फिर चलेंगे ग्राउंड और देखेंगे आज का माहौल कैसा है। आज तो सुबह से ग्राउंड नहीं गए, बस घर में ही इतना सारा काम था इसीलिए। तो पहले खाना खा लेते हैं और चलते हैं ग्राउंड, और प्रोग्राम सब क्या हो रहा है क्या नहीं आप लोगों को दिखाते हैं, और 40+ में कौन कौन टीम आया है, कौन प्लेयर लोग हैं, उन सबको भी थोड़ा बहुत जानकारी दे देंगे। तो ग्राउंड आ गए हैं और 40+ का मैच भी चालू हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्शक मिलेगा नहीं आज, बाद में जब समय हो जाएगा लेडीज़ गेम का तब थोड़ा भीड़ होगा। और थोड़ा जर्सी का इनॉग्रेशन होगा हम लोग का, बड़ा लखा का। देखिए अभी हम लोग का गांव का प्लेयर लोग भी रेडी हो रहा है, और ये जर्सी हम लोग का क्या होने वाला है मनीष दाई बताएंगे क्यों ये चीज कर रहे हैं। हमारे नया जर्सी का एनजीसी बड़ा लखा का क्लब एनजीसी बड़ा लखा की ओर से, जिसका अनावरण करेंगे सुनील लोहार, हमारे क्लब के एकदम युवा और कर्मठ प्लेयर जिसे आप सब जानते ही होंगे, इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय भी है और हमारे क्लब का नाम रोशन करने में इनका बहुत अहम योगदान है। तो आज इनके ही हाथों से हम इस क्लब का नया जर्सी अनावरण करेंगे सुनील लोहार के शुभ हाथों से। चलिए थैंक यू सो मच मेरे को ये मौका देने के लिए, और ये जर्सी मैं पूरा खोल के दिखाऊंगा जब हम लोग अनावरण करेंगे जर्सी का, तो शायद हम लोग स्टेज के नीचे करेंगे तो उसका भी वीडियो बनेगा। अच्छे से जान लीजिए बहुत सीनियर रहे, बेस्ट प्लेयर रहे उतना समय का, और अभी भी हम लोग क्लब को ऐसा मतलब हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। नियम रूप जी 10 नंबर समझ सकते हैं, 10 नंबर क्यों पकड़े, ज्यादा बोलने का जरूरत है नहीं। और एक बहुत ही स्पेशल जो बहुत ही पुराना हम लोग का प्लेयर है, प्लेयर भी रहे हैं और मैनेजर भी रहे हैं हम लोग का टीम का, नंबर जर्सी आप लोग समझ सकते हैं 9 नंबर जर्सी का प्लेयर कहाँ खेल रहे हैं, इसीलिए ये जर्सी दिया जा रहा है। और ये जर्सी दे रहे हैं और इस बार इसी में सब हम लोग टूर्नामेंट सब खेलेंगे। चलिए जर्सी का कुछ अनावरण करना था इसीलिए आए थे जल्दी ही, और अभी जाना पड़ेगा, खाना भी नहीं खाया तो खाना खा लेंगे फिर वापस आएंगे। और गेम तो चल ही रहा है, चालू हो गया है, और हम लोग का गांव का प्लेयर लोग अभी खेलने वाला है, रेडी हो रहा है, तो पहले खाना खा के आ जाते हैं, तो जल्दी से आना होगा। धीरज आया अभी, धीरज जोहर सब ठीक है ना, तुम्हारा नाम बता पता बता। घर है बड़ा लखा में। अच्छा चलो ठीक है एंजॉय कर, चलिए अभी जाना होगा खाना खाने के लिए। सेकेंड राउंड सेकेंड मैच, और इनको कौन नहीं जानता है दास भैया, लाइव चला रहा है, लाइव नहीं आप लोग का वीडियो बना रहे हैं, आप लोग का वीडियो, आपका टीम का नाम बता दीजिए। बलरामपुर एफ सी, बलरामपुर एफ सी, बलरामपुर के जितने भी स्टार प्लेयर लोग हैं ओल्ड स्टार, तो चलिए ओल्ड स्टार बलरामपुर के सब स्टार प्लेयर लोग आए हुए हैं, देखते हैं आज का मैच हारिए राखो दा बेहतरीन, चलो वाला से बेस्ट ऑफ लक जीतते हो। और अगला उधर तुरामडी एफ सी है, और तुरामडी एफ सी में एक से एक प्लेयर लोग हैं, वो लोग का परिचय मैं क्या दूं, सब एक से एक बढ़कर प्लेयर लोग हैं तुरामडी एफ सी में, देखते हैं कौन जीतता है ये वाला मैच। और बड़ा लगा का पहला राउंड
मैच विन हो गया है पेनल्टी में। चलिए फाइनली हमारा एनजीसी बड़ा लगा टीम फाइनलिस्ट टीम बन गया और अभी फाइनल मैच खेलने वाला है तुराम टीएफसी के साथ। तुराम डी में भी बहुत ही अच्छे सीनियर भैया लोग हैं और सभी मैच गोल से जीते हैं और बड़ा लगा फर्स्ट राउंड दो दो गोल हुआ उसके बाद पेनल्टी में जीता और सेकंड राउंड भी पेनल्टी भी जीता। अभी फाइनल मैच होने वाला है और देखते हैं कौन जीत रहा है। देखिए दोनों टीम अंदर में है और अभी आ गए हैं और जो गेस्ट है अभी जाएंगे परिचय प्राप्त करने के लिए। आज एनजीसी बड़ाला का फुटबॉल मैदान में जो कि भव्य आयोजन के तौर पर जितने भी आए हैं बिल्कुल हाजुरी पंचायत के मुखिया साहब परम आदरणीय बुद्ध सर बेचा जी, राजू सरदार जी, बिल्कुल योगेश्वर बेचा जी, गुरुचरण सरदार जी, सुरेश चंद्र टूडू जी, गुरुराम माधव जी, कृष्ण मुंडा जी, बुद्धेश्वर हांसदा जी, बिल्कुल सीनियर भैया लोग अपने समय के स्टार प्लेयर रह चुके हैं पुराम डी के और ईश्वरदा है जो टाटा स्टील एम्प्लॉई है। किस तरह का यहाँ पर मैदान उपलब्ध करा रहा इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? मैजिकल चेयर जहाँ है डीजे लंगड़े इमेज का कंपटीशन भी हम लोग देखेंगे जिसमें जो प्रतिभागी भाग लिए है आप लोग बारी बारी से आ जाइएगा। बिल्कुल पकड़ा पाटी खेल ले नीत हुआ किसी को पड़ेंगे और जहाँ तुम्हें जो भाग से आता था पहले तो सुबह से काम और उसके बाद दोपहर के बाद बहुत सारा मस्ती ग्राउंड में हम लोग का क्योंकि आज लास्ट डे था पूरा हम लोग का टूर्नामेंट का। आज 40 प्लस का मैच था बहुत सारा लेडीज गेम भी था वो सब भी खत्म हुआ और थक गए हैं अभी तो पूरी तरह से। कल गाइस हम लोग का जो मैच है वो अपना गांव का मैच है वो गांव का मैच कटिया में होने वाला है यानी कि जहां गुजू लोग का गुजू का गांव है घर है तो वहीं सामने में मैच हो रहा है तो वहीं हम लोग जाने वाले हैं गांव का टीम से और देखते हैं कल का मैच क्या हो रहा है। गांव का प्लेयर लोग ही रहने वाला है और कल गाइस 40,000 शायद है फर्स्ट प्राइस जो गाँव के लिए बहुत ही ज़्यादा है और गांव का टीम रहेगा तो खेलना जरूरी हो जाता है हेल्प करना रहता है टीम को। बाकी गाइस हमारे गांव का प्रोग्राम कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा बताइएगा क्या कमी रहा क्या अच्छा रहा और आज तो बहुत सारा प्रोग्राम भी हुआ वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि गांव में भी बिजी था। और गाइस मेरा ये टीवी यूनिट कैसा लग रहा है इसके बारे में स्पेशली आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा मंगाया और ये अपने से ही कुछ मेरे भाई लोग और चाचा मिलके सेटअप किए तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बताइएगा। टीवी थोड़ा सा नीचे हो गया क्योंकि वो फिक्स है उस जगह पर और ये थोड़ा बड़ा हो गया मेरा ये एरिया छोटा पड़ गया था इसीलिए ये टीवी थोड़ा सा नीचे लगा पर फिर भी बताइएगा कैसा है वो नेक्स्ट टाइम उसको ऊपर कर दिया जाएगा टीवी को। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।